भाजपा कोरिया के जिला अध्यक्ष कमान कृष्ण विहारी जायसवाल को सौंपी गई है। आज सुबह से ही जिला मुख्यालय बैकुंठपुर स्थित भाजपा कार्यालय में गहमागहमी का माहौल था, जहां जिला अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। भाजपा के अब तक जिला उपाध्यक्ष रहे कृष्ण विहारी जायसवाल को जिला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इसके पहले कोरिया में तीरथ गुप्ता जिला अध्यक्ष थे। जिला अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद कृष्ण विहारी जायसवाल ने सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरी करूंगा। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर नव नियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरिया में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरिया जिले में भाजपा ने जो सम्मान खोया है उसे 2023 में पुनः हासिल करेंगे। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जिला अध्यक्ष ने कहा कि भले ही हमारे प्रदेश में सरकार नहीं है, लेकिन जिले के हर नगरीय निकाय में भाजपा कार्यकर्ता के दम पर जीत का परचम लहराएगा। जिला अध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह अग्रवाल, सह निर्वाचन अधिकारी लल्लन प्रताप सिंह की मौजूदगी में चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े, पूर्व विधायक दीपक पटेल, श्याम बिहारी जायसवाल सहित काफी संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। आज जो निर्वाचन हुआ है उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व और जिला के हमारे सभी वरिष्ठों का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की बहने, युवा मोर्चा के भाई, जो सारे कार्यकर्ता मेरे दिलों में राज करते हैं और जिनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, एक पैर से खड़ा रहता हूँ, आज सबकी बदौलत से मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है। मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ एक एक कार्यकर्ता को लेकर, चाहे मेरे छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे के मार्गदर्शन में इस चुनौती जो मिला है, अपने ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पार्टी के अंदर गुटबाजी और मतभेद को कैसे दूर कर पाएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में, खासकर कोरिया जिला में कहूँ, कोई गुटबाजी नहीं है। सारे कार्यकर्ता, चाहे वरिष्ठ हो या मेरे कनिष्ठ हो, सारे लोग एक स्वर में मुझे, मेरे दिलो जान से मुझे चाहते हैं और सबका अथाह स्नेह और प्यार मेरे साथ है। मुझे कोई चुनौती नहीं है, सारे लोगों के बीच में मुझे काम करना है। और जो हमने सम्मान खोया है कोरिया जिला का, मैं 2023 में विश्वास दिलाता हूँ सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे पुनः वापस लेके आएंगे और कोरिया में पद हासिल करेंगे। आगामी निकट चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपके अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश होगा? जो हमारा अभी वर्तमान में आने वाला समय में नगरीय निकाय का चुनाव हमारे लिए चुनौती है। प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दम पे मैं निश्चित बता रहा हूँ कि कोरिया में नगर पालिका, नगर निगम में और पंचायत चुनाव में हम पद हासिल करेंगे और जीत का परचम लहराएंगे अपने कार्यकर्ताओं के दम पे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।